आज के लेक्चर का टॉपिक है बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम बाइनरी दो बाइनरी नंबर्स ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक। मतलब जो नंबर हमको सब्ट्रैक्ट करना है हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे और वो बाइनरी में ऐड करेंगे, और जो रिजल्ट आता है अगर उस रिजल्ट में कैरी जनरेट होता है तो वो कैरी हम रिजल्ट में ऐड कर देंगे। और कैरी ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका अगर MSB बिट मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर ज़ीरो आता है तो रिज़ल्ट पॉजिटिव है, तो वही रिज़ल्ट हमारा फाइनल रिज़ल्ट कहलाएगा। अगर कैरी जनरेट नहीं भी होता और MSB बिट अगर वन होता है तो इसका मतलब कि रिज़ल्ट जो है वो निगेटिव है, और रिज़ल्ट फाइंड करने के लिए हमको जो कुछ रिज़ल्ट आया है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है सब्सट्रैक्ट 14 फ्रॉम 25 यूजिंग 8 बिट वंस कॉम्प्लीमेंट। तो हमको दो 8 बिट नंबर का सब्सट्रैक्शन करना है, तो 25 में से हम 14 सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो डेसिमल में 25 माइनस 14 आता है 11। तो अभी हम 14 का पहले तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो 14 वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए 14 का वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, 14 का पहले बाइनरी लिखेंगे और उसका हर एक बिट इन्वर्ट करेंगे। तो ये एक 8 बिट नंबर है, तो ये बिट जो होते हैं बाइनरी में 1, 2, 4, 8, 16, 32, 48 ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे 14 चाहिए तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, तो ये तीनों बिट सेट होंगे, बाकी के सारे जो होंगे वो ज़ीरो होंगे। ये 64 और 128। तो फिर अभी इसका इस नंबर का हमको वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 14, तो हर एक बिट हम इन्वर्ट करेंगे तो आता है वंस कॉम्प्लीमेंट। ये चार जीरोस थे, हमने चार वन किए, फिर उसके बाद 0, 0, 0 और 1, तो ये आया वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 14। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो ये है बाइनरी ऑफ द 25, तो ये 25 है और अभी हम 14 इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 14 इसमें ऐड करेंगे, जो कि है 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1। तो ये है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 14, और ये दोनों नंबर्स की हम बाइनरी एडिशन करेंगे। तो 1 प्लस 1 0 कैरी 1, सो 1 प्लस 0 प्लस 0 रिजल्ट 1, नो कैरी, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 सम 0 कैरी 1, 1 प्लस 0 प्लस 1 सम 0 कैरी 1, 1 प्लस 0 प्लस 1 सम 0 कैरी 1, 1 प्लस 0 प्लस 1 सम 0 कैरी 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैरी जनरेट हुई है। तो कैरी जनरेट होने के बाद हम क्या करते हैं, कैरी सिंपली जो रिज़ल्ट होता है उसमें ऐड कर देते हैं। तो हमारा ये रिज़ल्ट था, हमने उसमें कैरी ऐड कर दी। तो अभी हम देखते हैं फाइनल रिज़ल्ट मिलता है हमको। तो यहाँ पे ये जो बिट है ये MSB बिट है, तो MSB बिट क्या है, ज़ीरो, मतलब कि रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव है, रिज़ल्ट इज़ पॉजिटिव, और यही हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। हमको वंस कॉम्प्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि MSB बिट ज़ीरो है। तो ये जो रिज़ल्ट है वो बाइनरी में है। अगर हम इसका डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं तो 1 प्लस 2 3 एंड 3 प्लस 8 11, तो 11 ही मिलता है। तो हमारा रिज़ल्ट डेसिमल रिज़ल्ट से मैच कर रहा है, तो हमने क्रॉस चेक करने के लिए ये कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व किया, हम और एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारा सेकेंड एग्ज़ाम्पल है जिसमें दो नंबर्स की एडिशन बोला है, ऐड -89.75 to 43.25 यूजिंग दी वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो पहले तो डेसिमल एडिशन है, ये 43.25 -89.75 करते हैं तो हमको मिलता है, अभी जो नंबर 89 निगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव नंबर से बड़ा है, तो रिज़ल्ट हमको निगेटिव मिल रहा है -46.50। तो हमको -89.75 का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है और उसके बाद हम 43.25 में वो ऐड कर देंगे।
नहीं देता इतना। पहले तो हम 89.75 बाइनरी में लिखेंगे, तो इसके लिए हमको 64 प्लस 16 आता है 80, 80 प्लस 1 88, और 88 प्लस 1 89, तो ये 89 हो गया इंटीजर में। उसके बाद 75 लिखना है तो 1/2 आता है 0.5, और 1/4 आता है 0.25, तो 0.25 प्लस 0.5 आता है 0.75। तो इस तरह से हमने बाइनरी लिख लिया 89.75 का। अभी हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हमको हर एक बिट इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 89.75 आ रहा है 101001101.0011। तो ये था बाइनरी ऑफ 89.75, और ये है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 89.75। तो वंस कॉम्प्लीमेंट हम 89.75 का वंस कॉम्प्लीमेंट हम 43.25 में ऐड करेंगे। तो 43.25 का बाइनरी है 0010101.0100। तो ये है 43.25, और उसमें हम वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 89.75 ऐड करेंगे, जो कि है 101001.0011। तो अभी हम बाइनरी एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो अभी ये है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 89.75। तो बाइनरी एडिशन के रूल यूज़ करके हम एडिशन परफॉर्म करेंगे। 0 प्लस 1 सम 1, 0 प्लस 1 सम 1, 1 प्लस 0 सम 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 सम 0 कैरी 1, 1 प्लस 0 प्लस 1 सम 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 सम 0 कैरी 1, 1 प्लस 0 प्लस 0 सम 1 नो कैरी, 1 प्लस 1 सम 0 कैरी 1, 1 प्लस 0 प्लस 0 सम 1 नो कैरी, 0 प्लस 1 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा रिजल्ट आया, और रिजल्ट में कैरी जनरेट नहीं हुआ है, और तो हमको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है रिजल्ट में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिजल्ट जो में जो MSB बिट है, ये जो बिट है वो MSB है, तो MSB बिट 1 है, मतलब कि रिजल्ट निगेटिव है। और रिजल्ट फाइंड करने के लिए हमको ये जो रिजल्ट आया उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो इस रिजल्ट का वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम रिजल्ट का हर एक बिट इन्वर्ट करेंगे। तो 1 1 1 है तो 0 0 1 0, उसके बाद 0 0 0 है तो 1 1 1 0.1 0 0 0। तो ये रिजल्ट है, और ये जो रिजल्ट है वो निगेटिव है। तो इसका जो जो कुछ ये है, तो ये जो रिजल्ट है, अगर हम इसका ये बाइनरी का अगर डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, तो वो 46.50 मिल रहा है हमको, और रिजल्ट निगेटिव है, इसके वजह से हम इसको माइनस साइन लगाएंगे। तो इस तरह से हमने एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो हमको फाइनल रिजल्ट फाइंड करने के लिए ये जो कुछ रिजल्ट आया था उसका हमको वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ा, क्योंकि MSB बिट 1 था। MSB बिट 1 मतलब रिजल्ट निगेटिव है, और रिजल्ट को फाइंड करने के लिए हमको जो कुछ आता है रिजल्ट उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है। इस तरह से हमने बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड परफॉर्म किया।